अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कमान संभाल चुके हैं। बीजेपी के मिशन 25 को अमली जामा पहनाने के लिए शाह दो दिवसीय राजस्थान दौरे पर है, जहां रविवार को दोपहर 2 बजे अमित शाह जयपुर पहुंचे। यहां 2:15 बजे पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक ली और उसके बाद सीकर में शाम लगभग 4:30 से 5:30 बजे तक रोड शो किया। तो वहीं आज दोपहर 1:15 पर जोधपुर पहुंचे, जहां पर अमित शाह ने रैली को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। हमने 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदल दिए, 100 साल पुरानी पार्लियामेंट बदली, हमने नक्सलवाद और उग्रवाद को, आतंकवाद को उखाड़ कर फेंकने का काम किया और अब किसी की हिम्मत नहीं है भारत में बम धमाका कर सके, ऐसा सुरक्षित भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी। और मित्रों, इसीलिए 2014 में 55% वोट के साथ 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने मोदी जी को दी थी। 2019 में वोट प्रतिशत 61% हुआ और फिर 25 की 25 सीटें दी, और ये सब करने के बाद मोदी जी फिर से आए हैं इस वक्त 70% वोट के साथ 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक लगानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 10 साल से भारत के अर्थतंत्र को ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धि है 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीट हैं, जिसमें से 24 सीटों पर आमने सामने प्रत्याशी आ चुके हैं। अभी बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यहां पर कांग्रेस की ओर से भारतीय आदिवासी पार्टी यानी BAAP से समझौते की बातचीत चल रही है। अगर ये समझौता होता है तो राजकुमार रोत को यहां से टिकट दिया जा सकता है। बाकी सभी 24 सीटों पर कैंडिडेट्स जो हैं वो आ चुके हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। अब 24 सीटों को लेकर क्या स्थिति है, जरा ये समझिए। अजमेर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अजमेर में जो है वो बीजेपी की तरफ से हैं भागीरथ चौधरी, और वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं रामचंद्र चौधरी। अब बात अलवर की। अलवर में भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। भूपेंद्र यादव जो है वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। बाड़मेर की बात करें तो कैलाश चौधरी वर्सेस उमेदाराम बेनीवाल जो है वो यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। कैलाश चौधरी बीजेपी से, उमेदाराम बेनीवाल जो है वो कांग्रेस से। अब भरतपुर की बात कर लेते हैं। रामस्वरूप कोहली वर्सेस संजना जाटव मुकाबला यहां पर है। रामस्वरूप कोहली जो है वो बीजेपी से हैं और संजना जाटव कांग्रेस से हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो दामोदर अग्रवाल बीजेपी से उम्मीदवार हैं, और वहीं डॉक्टर CP जोशी जो हैं अगर हम बात करें तो कांग्रेस से यहां पर उम्मीदवार हैं। डॉक्टर CP जोशी जो है वो बीजेपी से हैं, और उदयलाल अंजना चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस से हैं। बीकानेर अर्जुन मेघवाल वर्सेस गोविंद राम मेघवाल जो है वो यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम दौसा की बात करें, कन्हैया लाल मीणा वर्सेस मुरारी लाल मीणा यहां पर मुकाबला है, जो कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कन्हैया लाल मीणा बीजेपी से हैं। चुरू की अगर हम बात करें तो देवेंद्र झांझड़िया वर्सेस राहुल कस्वा, देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी और राहुल जो है वो कांग्रेस से हैं। दौसा में कन्हैया लाल मीणा वर्सेस मुरारी लाल मुकाबला, मुरारी लाल कांग्रेस से हैं।
श्री गंगानगर की बात करें तो प्रियंका बैलान वर्सेस कुलदीप इंदौरा, प्रियंका बैलान जो है वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। जयपुर की बात करें तो मंजू शर्मा वर्सेस प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस से हैं, मंजू शर्मा बीजेपी से हैं। जयपुर ग्रामीण की अगर हम बात करें तो राव राजेंद्र सिंह वर्सेस अनिल चोपड़ा, राव राजेंद्र सिंह बीजेपी से हैं, अनिल चोपड़ा जो हैं वो कांग्रेस से हैं। देखिए 25 सीटें जो हैं, 24 सीटों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, कांग्रेस को लेकर एक सीट को लेकर कांग्रेस और वहां की जो BAP पार्टी है उससे कुछ अलायंस दल या एक साथ आने को लेकर बात चल रही है। हालांकि अभी उम्मीदवार जो है वो घोषित नहीं हुआ है। तो दो फेज में चुनाव होने हैं, पहला फेज जो है वो 19 अप्रैल को है और दूसरा जो है वो 26 अप्रैल को राजस्थान में